सो आज की शुरुआत हो रही है हमारी शिमला से। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है कोडलेस ट्रेवलर। शिमला के अंदर हम आ गए थे कल, और पीछे कुछ क्लिप्स मैं लगा रहा हूँ आपकी अभी आपको। वो कल के क्लिप्स हैं जो आप देख लो, क्योंकि ना यार कल तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी मेरी, जिसकी वजह से मतलब मेडिसिन ले लेके मेरे को आना था। तबीयत इसलिए ख़राब हो गई मैं बताता हूँ, क्योंकि 2 दिन से मैं जग रहा था, सिर्फ 2 2 घंटे सो रहा था। और वो नींद का जो मेरे को बॉडी को मतलब जितनी भी अगर रेडबुल पी या कॉफ़ी पी उससे मज़ा नहीं आया। आज रेस्ट करा। आज हमारे पास 2 दिन है। दो दिन घूमेंगे और आपको भी दिखाएंगे शिमला। जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो नए हैं मेरे चैनल पे उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और बस ठीक है, अब आपको नई नई चीज़ें दिखाते हैं। तो वेन गुड इवनिंग दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम क्या है भाई साहब? कोडलेस ट्रैवलर। गलत बोल गया, कोडलेस ट्रैवलर। सो नए ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है हमारे। आपने देखा होगा इनकी शेरवानी वाला व्लॉग। सो इनकी शादी हो चुकी है और ये जा रहे हैं घूमने। वो घूमने वाला वर्ड जो है वो आप लगा लेना, कौन से घूमने जा रहे हैं। तो सीन ऐसे है, निकल चुके हैं सुबह सुबह और व्लॉग बनाने का टाइम लगा नहीं। तो मैंने कहा जब जब जागो तभी सवेरा। क्यों कह रहे हो? राइट, बिल्कुल राइट। ठीक है, सो अभी स्टार्ट हो गया। एक एग्ज़ाम था मेरी वाइफ का, CET का, जो हरियाणा के अंदर चल रहा है, वो दिलवाने आए हुए थे। और उसके भाई, किसी का बाप, किसी की माँ, किसी का मतलब कि भाई बहन पति में, जैसे मेरे बाहर गाड़ी लगा के ऐसे बैठे नहीं होते थे खिड़कियाँ खोल के, वैसे ही मैंने आज मैंने उसको ही अंदर से क्या कहते हैं उसको एक्सपीरियंस किया है। उसको मैंने एक्सपीरियंस किया है। जिम्मेदारी का एहसास हुआ है। बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी दे दी भाई तुमने, ज़्यादा जिम्मेवारी आ गई मेरे पास। तो ठीक है, वो 12:15 बजे के करीब खत्म हो जाएगा और हम मिल जाएंगे शिमला की। और 5 घंटे का रास्ता है शिमला का, और बीच में खाना पीना लगा लगूंगी 6 घंटे का। तो 6 बजे या 7 बजे तक पहुँचेंगे, अंधेरा हो जाएगा लेकिन फिर भी खींच लेंगे गाड़ी। वी आर सो एक्साइटेड फॉर दिस न्यू ट्रिप। ये बीच बीच में ऐड कर रहा मेरी बात है ना, जैसे कि आती है कि ये बोलना चाहता अंदर से। सपोर्ट तो करना बनता है ना हमारे भाई। लोग बनाते नहीं है, कोई भी लोग बनाते नहीं है, लेकिन कोई बना दे तो उसके बीच में ऐड उन कर देते हैं। तो ये आपको दिखेंगे आगे आने वाले 2-3 व्लॉगों के अंदर आपको ये दिखेंगे। जर्नी होगी हमारी स्टार्ट शिमला की, और एकदम सही एक्यूरेट टाइम पे हमारी घर वाली टाइम पे आ गई कैथल हवेली होटल। हाँ, कैसा हुआ पेपर भाई? ठीक ठाक ही हुआ इसका भाई, राम भरोसे कह रही है। तो जर्नी स्टार्ट हो गई है। अमन मैम भी हमारे गॉगल्स लगा लिए हैं, अमन मैम भी ने ये फिर हाई कर रहे हैं, ये सारी व्लॉग में हाई करेंगे अब देखियो। वेलकम टू पहाड़ी इलाका। इसको देख के भाई साहब दिल ऐसे खिल गया है ना, क्या अमन? बिल्कुल बिल्कुल, नजारेदार चीज नजारा आया है। बट यहाँ से स्टार्ट हो गया पहाड़, अब थोड़ा सा ना ऐसे होता है दिमाग, बंदे के दिमाग में ऐसा लै अभी हूँ कभी एनस्टेरिंग पहाड़ की वादियों में हम आ चुके हैं। पहली पहाड़ वाली वादी आ चुकी है, ऊपर से पुल जा रहा है हमारा। हमारे साथ में बैठे हैं बहुत सारे जने। नजारा आया कि नहीं आया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मजेदार चीज। चलो बस करो, तबीयत होगी तगड़े वाली खराब, मेडिसिन वगैरह ले ली हमने। ये हमारे कैमरामैन अमनदीप के साथ में, इधर मैं दिख रहा हूँ क्या? नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है सर। आप कैमरा फोकस इधर कीजिए ना, आपकी तरफ ही है। आप जब भी व्लॉग ऑन होता है तो आप चश्मा के लगा, मेरे को जितने टकरते हैं चश्मे वाले टकरते हैं। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा लुक तो बनता है, लुक तो बनता है। आप पीछे वादियां हमारी देख लीजिए, भी लगा रखे चश्मा, हम ना लगाए। हाँ, चश्मा मतलब ये पूरा वादियां पूरी दिख रही है, अंदर से फील नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ड्राइव करना है इनको। थोड़ी सी ड्राइव कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, लेकिन मजा पूरा आ रहा है। तो क्या तबीयत इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम कार नहीं चला सकते। पापा जी को मैसेज आ रहा है, पापा मैसेज आ रहा है। अब पहाड़ थोड़े स्टार्ट हो गए हैं, मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर बाद जाके आगे AC बंद करके थोड़े शीशे डाउन कर लेंगे और हवा लेंगे। हम आए दिल्ली गुड़गांव से, ठीक है, जहाँ पर पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। हमने कहा 2 दिन फेफड़े खोल के आएंगे, अपने फेफड़े खोल लेंगे फेफड़े यार शिमला में आके। शिमला से आगे भी जाएंगे हम, मूड कर रहा था हम कुफरी भी जाएंगे, पर जाएंगे जरूर जाएंगे। आप
जबरदस्त सीन है यार, क्या जबरदस्त सीन है यार। ही आ गया जी, हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है, और वो भी पुलिस के साथ। बढ़िया चीज है, सुंदर दृश्य है, आपको पीछे हमारे दिख ही रहा होगा। भाई साहब सिस्टम सेट हो गया, अब अभी पहाड़ आने शुरू हो गए तो भाई साहब खूब मतलब कि मैं आना शुरू हो गया तो बस सारी थकावट खबर होगी दूर। यहाँ पे नया जोड़ा हमारा फोटो में करा रहा है, हम लोग पुराने हो गए, हमारे को साल हो गया, इसी 1 नवंबर को हमारे को साल हो जाएगा, लेकिन नए जोड़े करा रहे हैं चश्मा लगा कर। भाई बहुत तगड़ा व्यू है, मतलब कि अच्छा है, नीचे वाली साइड पे मस्त बड़ा व्यू। क्या कर रहे हो सर, वीडियो बना रहे हो? तो फोटोज क्या शिमला पहुँच गया, क्या सुना ही है, घूमते घूमते जाएंगे, कहीं से नहीं जाना, ठीक है। वैसे तो रात हो गई है, रात हो गई है, पड़ी जाएगी मरको क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हौली हौली ले चलेंगे, हौली हौली मस्त। मैं हमेशा ये सोचा कि डैडी अपने वर्ग का परिवार चाहिए आपको, आना मैं कोई बड़ा परिवार नहीं चाहिए ना, अपनी कोई डिमांड ना कुछ, मैंने ये नहीं गड्डियाँ आई। शाम के 7 बज चुके हैं और शिमला नहीं पहुँचे, क्यों नहीं पहुँचे, इसकी वजह से नहीं पहुँचे, भाई को बीच में ना पोटियाँ लग गई, उल्टियाँ लग गई, ये भी चश्मा डाल के बैठा था। क्यों भाई ऐसा क्यों हो गया, तबीयत खराब होगी, जाम लगा बड़ा भाई साहब, लगी हुई है, कुआ नहीं रही है। टैंकी फुल करा ली हमने, हमने कहा हिमाचल से कराए हैं, हमारी नहीं हो रही है। 7 बज गए, लो जी गाड़ी चली चलती है और यहाँ आगे रुक जाती है, खड़ी रखे यार, आगे सामान बहुत है मेरे को। क्या हुआ अमनदीप, अमनदीप बताइए। हमने क्या क्या करो, मारोल पे जाते हैं घूमने के लिए, हमने लिफ्ट ले ली, लिफ्ट ली हमने तो नीचे गए हम ग्राउंड फ्लोर पे, उससे क्या हुआ, कहाँ पहुँच गया, पता लगा कि मारोल तो वही था जहाँ घूम रहे थे, और भाई साहब था हमारा, और भाई साहब 4 बार आ चुके हैं शिमला, मैं आ चुका हूँ, बगल जाती है यार, बगल यार रात का नजारा देखने, माल रोड के माल रोड, हाँ लिफ्ट तो पहली थी भाई,